हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आयो के आप सब अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो अभी सुबह के बजे है 7, तो भाभी जा रही है चाय बनाने के लिए छत पे, और पूजा कर रही है उन्होंने जय माता की, राधे राधे। तो अभी मैं भी चलती हूँ छत पे कि मुँह हाथ तो धो ले, चाय पी लेते हैं अपना सुबह का नाश्ता। पर मेरा तो आज व्रत है, मुझे नहा धो के पूजा करनी है। शुक्रवार है ना, तो मेरा व्रत है आज। अभी छत पे चलती हूँ मैं। देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। पेरेंट्स 10:30 बजे है। अब मैं अभी मुझे पोछा लगाना है। कपड़े मैंने मशीन में डाल दिया है। पहले मैंने पूजा करी है, पूजा करके चाय पानी पी के अभी पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगा कर कपड़े धोती हूँ। ज़्यादा तक थे नहीं, जो थोड़े रख के थे ना, कल नहीं धोए थे बृहस्पतिवार में, तो कल गेर में भी आ लेते और कल बृहस्पतिवार था तो कपड़े नहीं धोए थे हमने, तो मैंने मशीन में डाल दिया। बस जब पोछा लगा देती हूँ सारे में। भाभी रोटी बना रही है, काम निपटा लेते हैं जल्दी से। धूप तो पहले पहले वैसे 10:30 बजे अभी तो, और लाइट भी आ गई थी। कपड़े डाल दे मैंने, अब देखते हैं चलो। उसके बाद में कपड़ों की तरह बनानी है। ये वाले कपड़े रखे हैं यहाँ पर जो परसों धोए थे। कल नहीं टाइम मिला ना, कल गेर में जाए थे घूमने के लिए, काफ़ी दिन हो गए थे। और हम बाबू जी यहाँ देखो लेट रहे, ये हमारा बाबू जी है, लेट थी इंतजार करी भैया का। ऐ मैं कपड़े धो धो पोछे मार दूँ फिर नीचे निपटा देंगे। नीचे का तो ज़्यादा काम नहीं है ना, अच्छे चल रहे कपड़े लगते हैं। रोटी सेक दो और आप बैग ले आ जाओ अपना। हाँ बिना धोए आ गए सारे हैं, पैसे निकले पैसे निकालो। पैसे जरूर मिला, देखो पहले निकाल ले इसने तो निकाल ले पहले ही डाय के मारो कद देवे बिना पैर। और वो तो उस दिन हमने से ले रख लिए थे, पापा जी ने कह दिया था। हैं नहीं तो क्या होता है, कोई ना कोई आ जाए मेहमान है नहीं तो अब जा जेब खाली। पहले ही क्यों करो, पहले ही देखे आए वे 60 रुपए थे, 70 रुपए वे निकाल लिए इसने। ये वाले कपड़े मैंने धो दिया है, देखिए यहाँ पर फुला दिया बाहरी, और ये पानी निकाल दिया मैंने सारा मशीन में से। ये वाले तो फिर आ रहे हाथ के धोने वाले, वे भी आज से धो देती हूँ पानी निकालने में। और इन चीज कपड़ों की तरह बना देती हूँ, इतने कपड़े धोए वे वो फिर हाथ से धो दूँ। ये वाले जो भाभी के है भी नीचे ले जाना है, ये वाले इन पर प्रेस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कपड़ों की तरह बना दी है, अलमारी में रख दिया मैंने। अभी चलती हूँ मैं नीचे, काम निपटा दिया, कपड़े भी धो दिए और झाड़ू पोछा भी कर लिया है, सारा काम निपटा के अभी चलते हैं नीचे कि भाभी जाने आए हैं, तैयार हो रही है अभी कि तो चलो भाभी जी बैठ देती हूँ। अपने लिए थोड़ा सा दूध ले लेती हूँ कि मेरा है व्रत, भूख लग रही है। सुबह में चाय पीती, चाय में बड़ा सा दिन हो गया ना, तो रहा नहीं जाता ज़्यादा दिन, तो मैंने सोच रही हूँ इस पौध अपन कर दूँगी संतोषी माँ का। तो अभी चंदन से हो जाएगा, चंदन तो लगे तो जब भी कर दूँगी। अभी मैंने सोच रही हूँ सोना दीदी भी आ जाएगी और भाभी भी है, बस सोना दीदी का इंतजार है। जब सोना दीदी आ जाएगी तो मैं सोच रही हूँ जब सोना दीदी आएगी जब भी कर दूँगी और अपन इसका संतोषी माँ का। मैं काफ़ी दिनों से रह रही हूँ ना,
अमीर भाई की शादी से पहले आई थी, और इसके बाद पहले मैं ना जब तो मम्मी के साथ रहती, मम्मी और मैं दोनों रह गए थे हम साथ में तो सीमा का, पर मम्मी ने उदपन कर दिया पहले ही, फिर वे बाद में रहने शुरू करी थी, पर इसके बाद में फिर मम्मी आए तो ऐसी बात हो जाती थी, तबियत खराब सी हो जाती मम्मी की, और इसके बाद में वे रही नहीं बरात, तो इन्होंने उदपन कर दिया, और उदपन करके बाद में सोच रही थी रहने के लिए, पर भगवान ने फिर ऐसा कर दिया कि ये मम्मी नहीं है हमारे पास, कोई नहीं जैसा भी भगवान की मर्जी है, तेरे को हुआ तो ऐसा ही, भगवान के सामने किसी की नहीं चलती, तो कोई नहीं जैसा भी है, देखो एक तो भाभी भी है जी से लग जाता है भाभी के साथ, वो जिस दिन में चली जाती है ना मन से नहीं लगता। तो हेलो दोस्तों, राम राम जी, कैसे आप सब, आई होप क्या सब अच्छे हो गए और हम सब भी अच्छे हैं। तो दोपहर के 2:00 बजे जी और मैं रेडी हूँ, आज जा रहे हैं घूमने के लिए, चलो जी और देखे कपड़े, सिंगारदान मेरे कपड़े, बैग, और इधर शिवानी भी रेडी है, कुछ कपड़े मेरे इसमें आया, सिर्फ एक ही जोड़ा रखा है बाहर, जब अंदर जाएगा इसमें तो शिवानी की सूट साड़ी है, फिर हो गया साड़ी है इसने रख लिया, पैक कर दिया है, और थोड़ा मेकअप किट भी है, तो रेडी हो चलने के लिए, खुश हो थोड़ा घूमने के लिए, और 2-3 दिन की छुट्टी है इसमें, घूम आओगे थोड़ा सा और क्या। चलो जी और बताओ कहाँ कहाँ घूमाओगे, ये तो आपको पता लग जाएगा व्लॉग में। तो दोनों रेडी हैं जी, देखिए तो लंबा सफ़र है तो पानी की बोतल भी चाहिए, तो पानी इसमें रख लेंगे, शिवानी कुमार चलो ठंडा पानी है ये रख लेंगे, चलो सफ़र में चाहिए पानी बोतल। आज कुछ सैंडल है, अल कितने आवे चलो आराम से जाइयो बजा ठीक। तो एक बैग तो बांध लिया जी, और बुलेट रेडी है मेरी, और बुलेट पर बैठने वाली बुलेट रानी भी रेडी है, गेट में उतरना, यहाँ पैर रखो और नीचे उतर जाओ आराम से। रोक्सी लो पकौड़ा बने बैग, चलो ठीक है। सफ़र हमारा 2 घंटे हो, और जी हम पहुँच गए पुरका जी के पास, पुरका जी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, पहला स्टॉप हमारा जो लगा था सापुर का था, और दूसरा लगा है तो पुरका जी के पास, तो पानी पी लेते हैं गाड़ियों तो कहाँ जाओ जी, अभी आप पीरियड है ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ से मगा यही खड़े हो गया पानी पी लेते हैं, आवाज़ तो कम आ रही होगी क्योंकि वाहन चल रहे ना, वाहन की बहुत आवाज़ आ रही होगी इसमें।
बनाना शेक ले, मैंगो शेक लिया यहाँ पर आ गया। पुरका जी नहीं, गुरुकुल नारसन दूसरा तीसरा ब्रेक था ये, तो जूस ले रहे हैं यहाँ पर, तो जूस पी लिया है बनाना शेक, मैंगो शेक पी लिया। और अब चलते हैं आगे, और तो चलना कहाँ से बता दो, कैसा ही होगा बहादराबाद चलते हैं भैया, एक घंटे सफर रह गया हमारे पास। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अभी बजे है शाम के 7:15 और हम पहुंच गए अपने भाई के घर। तो देखिए ये है भाई के मकान, ये है भैया, ये छोटी भतीजी और भाभी जी। क्या बना रहे हैं आज आप हमारे लिए? मटर पनीर। अच्छा, आज मटर पनीर बन रहा भाई मेहमानों के लिए? नहीं नहीं, मेहमान आए। कैसा लगा तुझे हम थारे घर आए? बढ़िया लगा। क्या लाए? अच्छा, क्या खाया तुमने? बच्चे देख रहे फोन और कुछ जा लिए छत पे। तो जी बादराबाद पहुंच चुके हैं शिवानी के भाई के यहाँ पर, यानी अपने साल साहब यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो शिवानी के जो है एक ही भाई है, आपको मिलवाता हूँ। चलो जी, ऊपर था मैं जहाँ पर छत पर आया था घूमने के लिए, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फिर पंखा भी चला दिया। अब जो है ठंडे ठंडे पानी में नहाना है। चलो जी, वैसे गंगा जी पास है लेकिन गंगा जी नहा नहीं सकता एक साल से पहले, तो अगले साल आएंगे जब नहाएंगे। चलो मेरे चलते हैं, क्या बना रहे क्या खा रहे देखते हैं। पंखा बंद कर दूँ। चलो जी, तो देखिए नहा लिया मुझे और अभी बज चुके हैं 8:30, तो आराम करते हैं थोड़ा सा। थोड़ी वीडियो एडिट कर ली मैंने और थोड़ी रह रही है। तो सफ़र था 3 घंटे का, और जो कि मेरा सफ़र आराम से अच्छा रहा सफ़र बिल्कुल, और 40-50 की स्पीड से हम आए हैं। रास्ते में 4 जगह रुके हम, तो आराम से स्टॉप लगाते हुए आए। 100 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया आज बाइक से। और जी पंखे की ठंडी ठंडी हवा पर ठंडे ठंडे पानी में नहाए, आनंद ही आ रहा। कई साल में आया बादराबाद, तो मैं बादराबाद कम से कम 3-4 साल में आया हमारे, तीन साल बाद आया बादराबाद। और मैं रिश्तेदारी में तो पहली बार आया हूँ, वो यहीं पर पास में मम्मा जी बैठी रहती थी, लेकिन अब नहीं रहती यहाँ पर। एक दो रिश्तेदारी हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि पूरा बादराबाद कटरे से भरा हुआ है, तो रिश्तेदारी तो बना मिल जाएगी यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर हो गई है खाने की तैयारी। क्या बना दिया भाभी? ये मटर पनीर हलवा। ये हलवा खाएगा? बेसन का हलवा है। इधर सलाद है, खरबूजा भी काट ले। और इधर क्या है? सब्जी, चावल, पनीर। ये देखो, पूरी बनानी बाकी है, पूरी बनने के बाद खाने की तैयारी।